सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग कैप्चर करने वाले हैं ओरियन नेबुला को, जो कि हमारी अर्थ से 1344 लाइट ईयर्स दूर है। और आज ही के इस वीडियो में हम लोग काफी सारी इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। जैसे कि आज मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा कि मैं अपने टेलीस्कोप की हेल्प से कैसे किसी भी डीप स्काई ऑब्जेक्ट को इजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ, और आप लोग भी इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। और आपको भी मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग मेरी टेक्निक यूज करके किसी भी डीप स्काई ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम लोग ओरियन नेबुला का लाइव व्यू भी देखेंगे, और जो भी फाइनल रिजल्ट मैं कैप्चर करूंगा वो भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोगेजर पे। मैं हूं आपका दोस्त अथर्व, और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आपको मेरा चैनल एस्ट्रोगेजर मिला। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं इस वीडियो को शुरू, और कैप्चर करना शुरू करते हैं ओरियन नेबुला को। तो जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है ओरियन नेबुला, जो कि हमारी अर्थ से 1344 लाइट ईयर्स दूर है, और ये ओरियन कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी अपने टेलीस्कोप का यूज़ करके किसी भी डीप स्काई ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। पहले जब मैं ट्राई करता था किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने की कोशिश करता था, तब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि अब थोड़ा हाथ सेट हो गया है। लेकिन वो हाथ कैसे सेट करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आज का वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, किसी भी डीप स्काई ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको तीन चीज़ों का यूज़ करना होगा, मतलब तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप आराम से किसी भी डीप स्काई ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं। उसमें से पहली चीज़ है कि आपको अपने टेलीस्कोप से सबसे पहले फ़ोन को कनेक्ट करना ही होगा। अगर आप फ़ोन नहीं कनेक्ट करोगे तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इतने डिम होते हैं कि आपकी आइज उनको देख नहीं पाएगी, और आपको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट्स आपको मिल ही नहीं पाए। दूसरी चीज़, आपको देखना होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट आप ढूंढ रहे हैं, चाहे ओरियन नेबुला हो, चाहे कोई भी क्लस्टर वगैरह हो, जो भी ऑब्जेक्ट आप ढूंढ रहे हैं उसके आसपास कोई ब्राइट स्टार होना चाहिए, या कोई नॉर्मल स्टार भी अगर हो तो वो भी चलेगा। क्योंकि अगर आप कोई स्टार ढूंढ लोगे, उसके पास कोई स्टार होगा, तो आप लोग इजीली एडजस्ट करके उस ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको फ़ोन चाहिए होगा। तो सबसे पहला आप जो मैंने बताया स्टेप आपको कि फ़ोन लगाना है अपने टेलीस्कोप से, वो आप लगा के रखिएगा, फ़ोन को बिल्कुल मत हटाइएगा अपने टेलीस्कोप से। तीसरी चीज़, जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट है, मतलब स्टार के जिस भी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट है, आपको उस डायरेक्शन में धीरे धीरे अपने टेलीस्कोप को मूव करना है, एडजस्ट करना है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। इस वजह से आप अगर तेज़ी से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो ऑब्जेक्ट आप मिस कर जाए और आपको लगेगा कि आपको वो मिला ही नहीं। तो इन तीन चीज़ों का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप लोग डीप स्काई ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। और आप लोग अगर इस मेथड का यूज़ करके डीप स्काई ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं तो मुझे इस बात को बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब रात होने का वेट करते हैं, क्योंकि जब तक रात नहीं होगी तब तक ओरियन नेबुला नहीं दिखेगा, और ओरियन नेबुला 12 बजे के बाद ही राइज होता है। तो करीब 12 बजे तक का वेट करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं ओरियन नेबुला और अपने टेलीस्कोप के साथ। मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन कुछ बादल थे जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी ओरियन नेबुला कैप्चर करने में, लेकिन तभी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई और बारिश शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पर ये नज़ारा बहुत ही सुंदर था क्योंकि सन भी निकला हुआ था और बारिश भी हो रही थी, जिससे ड्रॉपलेट्स शाइन कर रही थी। और तभी मुझे याद आया कि अगर बारिश और सन एक साथ होते हैं तो कुछ अमेजिंग देखने को मिलता है, और वो अमेजिंग चीज़ यहाँ पर है। ये रेनबो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, और देखते ही देखते ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी हो गया। खैर, हम लोग थोड़ा सा टॉपिक से अलग जा रहे हैं, तो चलते हैं वापस ओरियन नेबुला की तरफ।
आज वो दिन है जब हम लोगों को थोड़ा क्लियर स्काई देखने को मिला है। अभी 2-3 दिन से तो काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और मेरे सामने अभी जस्ट जुपिटर देखने को मुझे मिला, तो मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि थोड़ा क्लियर स्काई चलो देखने को तो मिला। अब वेट करना है रात होने का, क्योंकि ओरियन नेबुला अभी हम लोगों को विजिबल नहीं होगा, तो ओरियन नेबुला 12 बजे के बाद ही राइज होता है, तो उस टाइम तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा और देखते हैं कि मौसम आज रात में साफ रहता है या नहीं। और अगर आज रात में मौसम साफ रहेगा तो हम लोग ओरियन नेबुला को जरूर कैप्चर करेंगे। तो मैं सुबह 4 बजे ओरियन नेबुला को कैप्चर करने के लिए उठा तो था, लेकिन बारिश हो रही थी और इस वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा मूड स्पॉइल हो गया, क्योंकि मैं पिछली रात देर से सोया था क्योंकि फ़ीवर था और मैं काफ़ी दिनों से वेट भी कर रहा हूँ कि मौसम क्लियर हो जाए, लेकिन अब तो आज बारिश हो ही चुकी है तो अब हमारे पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मौसम बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और एक भी बादल नहीं है आसमान में, आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा ब्लू स्काई है और हमें तो यही चाहिए था, क्रिस्टल क्लियर स्काई होगा इसके बाद अगर नाइट स्काई में मतलब बादल नहीं आते हैं तो क्रिस्टल क्लियर नाइट स्काई होगा और हमें एस्ट्रो फोटोग्राफी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि और भी ज़्यादा डिटेल्स हम लोग कैप्चर कर पाएंगे वीडियो में। तो देखते हैं कि आज रात में क्या होता है, अगर मौसम सही रहता है तो फाइनली आज हम लोग ज़रूर कैप्चर करेंगे ओरियन नेब्यूला को। इस वक्त टाइम हो रहा है 3:45, मतलब 3:45 टाइम हो रहा है और अगर मैं आपको ऊपर का नाइट स्काई दिखाऊं तो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्काई है। एक सेकंड में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, तो आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे क्रिस्टल क्लियर नाइट स्काई है और ओरियन नेबुला और ओरियन कॉन्स्टेलेशन दोनों ही बिल्कुल परफेक्टली विजिबल हैं। तो आज का हम लोग मौका नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले तो बादल थे काफ़ी सारे और मौसम ख़राब होने की वजह से हम लोग कुछ कैप्चर ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज फाइनली टाइम मिला है तो आज का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो चलिए फटाफट कैप्चर करना शुरू करते हैं ओरियन नेबुला को। तो कैप्चरिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉग जम गया है हमारे टेलीस्कोप पे और ये वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी तो विंटर आया भी नहीं है तब भी इतना सारा फॉग जम गया है और जब विंटर्स आएंगे तब तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। खैर अभी हमारा जो प्राइमरी लेंस है वो बिल्कुल सेफ है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इस पर फॉग जम जाएगा तो फिर हमारा ओरियन नेबुला का व्यू हम लोगों को धुंधला देखने को मिलेगा और उतना अच्छा हम लोगों को नहीं देखने को मिल पाएगा। तो फटाफट से हम लोग ओरियन नेबुला को कैप्चर कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है बिना स्टैक किए हुए और ये लाइव व्यू है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और अभी मैं अपने फ़ोन से इसको ट्रैक कर रहा हूँ लाइव, बट उधर साइड से थोड़े बादल आ रहे हैं, अभी इस फ्रेम में नहीं दिख रहे हैं लेकिन थोड़े थोड़े बादल आ रहे हैं, वो मुझे डर लग रहा है कि ज़्यादा बादल ना हो नहीं तो हमारा ओरियन नेबुला का व्यू छिप जाएगा। पर अभी फ़िलहाल हम लोगों को जितना भी डेटा मिल जा रहा है मैं कलेक्ट कर लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि अगर बादल आ गए तब तो वो भी नहीं कर पाऊँगा। Oh, 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 oh
फाइनली दोस्तों आज हमारा काम पूरा हो चुका है, यानी कि मैंने ओरियन नेबुला का रॉ डेटा फाइनली कैप्चर कर लिया है और अब बस उसे स्टैक करना है, प्रोसेस करना है और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपको दिखाना है। तो आप लोग थोड़ा सा और वेट करिए और चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और स्टैक करते हैं ओरियन नेबुला के रॉ डेटा को। सो आज मैंने 5 वीडियोस कैप्चर किए हैं ओरियन नेबुला के और टोटल अगर इनका किया जाए तो 10 मिनट का व्यू हम लोगों को देखने को मिलेगा। और अब मैं पिप का यूज़ करके इन सारे ही वीडियोस से फ्रेम्स को एक्सट्रैक्ट करूँगा और उन सारे ही फ्रेम्स को डीप स्काई स्टैकर की मदद से स्टैक करूँगा और फाइनल रिजल्ट निकालूंगा। तो हमारा स्टैकिंग का काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कुछ ऐसा आ चुका है। तो अब मैं आपको इसको डायरेक्ट स्क्रीन पर लगा के दिखाता हूँ और इसका लाइव व्यू भी दिखाता हूँ।